विवाह पूर्व मिलन होना करना या नहीं करना, इसके बारे में काफ़ी सारे लोग मुझे संपर्क करते हैं। मैं उसके बारे में आज आपसे बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। कहीं भी एखादे क्लर्क की या चपरासी की भी नौकरी मांगने के लिए कोई जाता है तो उसको पूछते हैं कि आपको तजुर्बा है क्या, कुछ एक्सपीरियंस है क्या। मगर शादी में एक्सपीरियंस नहीं होना ऐसा अपेक्षित है, क्योंकि सेक्स का एक्सपीरियंस पहले नहीं होना शादी में, बिल्कुल ही नहीं होना। मतलब ऐसा किसने बोला मुझे अपेक्षित है या किसने बोला कि मैंने एक सेक्स किया हुआ है, तो शायद कोई हाँ नहीं बोलेगा शादी करने के लिए। तो फिर शादी के बाद में सेक्स में प्रॉब्लम क्या क्या आते हैं वो हम देखेंगे। एक तो क्या होता है कि शादी के तुरंत बाद यदि फर्स्ट नाइट है, मनोमिलन की पहली नाइट है, दोनों थके हुए हैं, फिजिकली टायर्ड है ना, और कोई इच्छा नहीं है, मालूम नहीं है, तो प्रॉब्लम आ सकता है। अच्छा, मालूम सब है, थियोरेटिकल मालूम है, प्रैक्टिकल कुछ भी मालूम नहीं है कैसा करना है। तो पत्नी जो है वो थोड़ा सा शर्माती है, घबराती है कि परम पुरुष है उसके सामने कैसे कपड़े निकाल देना। आदमी को डर लगता है कि भाई मैं कर सकूँगा नहीं कर सकूँगा, यदि मैं पुरुषार्थ मेरा बता सकूँगा कि नहीं बता सकूँगा, तो वो टेंशन में रहता है। जितना ज़्यादा टेंशन में है दिमाग, उतना ज़्यादा टेंशन या उतना कम टेंशन लिंग में आता है। लिंग में टेंशन आने के लिए ऊपर एकदम ढीला होना जरूरी है, रिलैक्स होना जरूरी है। पहली नाइट है तो स्त्री बहुत घबरा के अपना पूरा शरीर जो है वो कड़क कर लेती है, तो नीचे वाला भी पोर्शन यदि योनि कड़क है तो संभोग होना असंभव है, लिंग अंदर जाएंगे ही नहीं। तो ऐसे सभी इसमें प्रॉब्लम हो जाता है, लोग बहुत डरते हैं। मेरे पास में भी दो कपल ऐसे हैं कि 4 साल हो गए शादी को और उनका अभी फिजिकल कॉन्टैक्ट हुआ नहीं, दोनों भी डर रहे, हालांकि दोनों का लव मैरिज है इसलिए शादी टिकी हुई है। लोगों का प्रेशर है अभी कि क्यों बच्चा नहीं हो रहा है, इसलिए अभी मेरे पास में आया कि अभी हम दोनों भी डर रहे हैं, हमारा मिलन हुआ नहीं है, क्योंकि दोनों को डर है कि मैं कर सकूंगा नहीं कर सकूंगा, है ना। लड़की को डर है कि भाई ये कैसा होगा, मुझे दर्द होगा क्या, और वो इतना मैं वजन उसका मेरे आंख पे लूँगी तो सहन कर सकूंगी क्या, और ऐसे काफ़ी सारे सवाल है कि जो जिसके जवाब तुरंत हम पा सकते हैं मगर उन्होंने कभी कोशिश ही किया नहीं। तो फिर शादी के पहले करना है क्या, करते हैं तो बहुत ही अच्छा है वैसे देखा जाए तो, एक तरह से, एक दृष्टिकोण से, क्योंकि पहले से एक्सपीरियंस है दोनों को, कर लो। तो पहले यदि दोनों का कमिटमेंट है, एंगेजमेंट हो चुकी है, दोनों का कमिटमेंट है और वो कमिटमेंट निभाने वाले हैं तो करने के लिए हरकत नहीं। मगर कमिटमेंट कुछ भी नहीं है, जब सेक्स एंजॉय करना है या फाल्स प्रॉमिसेस दे रहे हैं और फाल्स प्रॉमिस दे के सेक्स कर रहे हैं तो सेक्स करना गलत है। मैं भी इसलिए ये जो निर्णय है कि सेक्स करना नहीं करना, अच्छा बुरा, मेरी राय मेरा मत न देते हुए मैं बोल रहा हूँ कि वो अपने अपने ऊपर है, अपना अपना दृष्टिकोण है। हर पुरुष और हर स्त्री ने देखना चाहिए कि भाई उनका क्या मत है, उनका क्या दृष्टिकोण है। मैंने आपके सामने पॉइंट्स रखे कि भाई करते हैं तो फायदा है मगर हमारे कल्चर में बैठता नहीं है करना, पहली बार करते तो प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम जब आता है तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम उसके वजह से, मतलब डिवोर्स तक बात जाती है टेंशन आने से। तो ऐसे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स है, आपने अपना निर्णय लेने का है। मैं इतना ही बोलूँगा, मिलन जो है, विवाह पूर्व मिलन जो है वो करना कि नहीं करना, ये हर अपने अपने कपल के ऊपर है, अपने अपने संस्कार के ऊपर है और अपना अपना चॉइस है। आपको इसके बारे में कुछ भी सवाल होंगे तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें आप चैटिंग कर सकते हैं, और दूसरा नीचे नंबर दिए हुए उसके ऊपर आप कॉल कर सकते हैं, आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरी सलाह ले सकते हैं और कंसल्टेशन करके आपके प्रॉब्लम जो है उसमें आप कुछ ना कुछ उसके सवाल के जवाब पा सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।